Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. So guys, आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की राइड इतनी एडवेंचर होने वाली है ना कि ये ब्लॉग जो है दिल्ली से माउंट आबू तक का है, ठीक है। मतलब टोटल 1000 किलोमीटर का राइड होने वाला है ये। तो बाकी आपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुका होगा कि मैंने उदयपुर, जयपुर और पुष्कर वगैरह का राइड किया है अपनी वर्ना को लेके। उदयपुर से निकल कर मैं जा रहा हूँ माउंट आबू की तरफ और सामने का व्यू देखो गाइस, क्या अमेजिंग व्यू है भाई। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने चैनल पे न्यू हो तो नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट ट्रिप मैं कहाँ का करूँ, और ये भी बताना कि आप कहाँ से हो, कमेंट करके बता दो जल्दी से। बाकी सामने का देखो पहाड़ भाई, जूम करके मैं आपको। और माउंट आबू में एक जगह है नक्की लेक जो कि बहुत फेमस लोकेशन है माउंट आबू का। तो भाई साहब इधर का व्यू भाई रोका नहीं जाता गाइस, सीन क्या है भाई, लद्दाख से कम नहीं है, लद्दाख उत्तराखंड से कम नहीं है भाई। राजस्थान भी बेस्ट प्लेस है भाई घूमने लायक। मैं बस जयपुर तक है, जयपुर से मैं इधर देख रहा हूँ भाई, मन तो कर रहा है इधर से जाऊँ नहीं मैं। ये देखो भाई क्या नज़ारा है भाई। तो भाई जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि अभी फ्यूल रेंज अभी 304 किलोमीटर्स का है और 145 किलोमीटर का हमारा डेस्टिनेशन है उदयपुर से माउंट आबू का। तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है लगभग। तो अभी गाड़ी का एवरेज भी 10 का एवरेज अभी मिल रहा है। जब मैं उदयपुर रात में आ रहा था ना तो इसका एवरेज मुझे 20 तक का मिल रहा है, 22 तक का मिला मुझे कल, 22 तक का एवरेज आराम से मिल गया मुझे वरना ने। वरना ने बहुत अच्छा एवरेज निकाल के दिया भाई। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर का और यहाँ का व्यू देखो। भैया फुल कर दो, पेट्रोल है। सो गाइस 22 लीटर पेट्रोल आया है भाई, 105 का चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस उदयपुर से माउंट आबू तक का एक पहला टॉल है जो अभी आ चुका है सामने, आप देख सकते हो आगे। फास्टैग काम करेगा यहाँ पे, स्वागत यहाँ से अपन निकल चुके हैं गाइस और हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपन वरना के साथ। सो ये रहा छोटा सा टनल। कैसे तो मैंने फ्यूल अप करा लिया था क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है भाई। तो जब भी आप उदयपुर से निकलो तो अपना फ्यूल टैंक फुल करा के निकलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप वगैरह दिख नहीं रहा है मुझे। और कोशिश करना कि दिन दिन में कवर करने के लिए, क्योंकि इन पहाड़ों पे ना स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और रिफ्लेक्टर लाइट जो होते हैं ना वो भी नहीं है। चेक दिस व्यू गाइस, क्या नज़ारा है यार। सो हाईवे से मुझे लेफ्ट स्लाइड लेफ्ट लेना पड़ा, फिर लेफ्ट लेके राइट, और ये माउंट आबू का रास्ता है भाई। ये अब यहाँ से गाड़ियाँ दिखने लग गई हैं। ओ भाई साहब क्या नज़ारा है भाई सामने का। जा रहे हैं ऊपर की ओर, यहाँ से माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट होता है। Thank you.
फर्स्ट टाइम मैंने, अरे यार ये सनलाइट तो सामने से भाई सब इतना गंदा लग रहा ना, तो चेहरे पे मार रहा है ये तो, कि दिख भी ना रहा सामने का कुछ भी। ऐसा लग रहा है कि मैं सूरज के बहुत पास चला गया। अब लो अब यार राइट साइड से मारने लग गया। मैं अभी माउंट आबू पहुंच चुका हूं और मैं जा रहा हूं नक्की लेक, जो कि यहां का बहुत फेमस लेक है। और मैंने होटल चेक इन कर लिया है, गाड़ी को भी पार्क कर दिया है, सेफली पार्क हो गया। भैया बहुत अच्छे हैं, केयरिंग टाइप के हैं, वो गारंटी लिए हैं भाई, क्योंकि यहां पे ना ओपन पार्किंग है, वो उनकी डेडिकेटेड पार्किंग कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है पहाड़ों में, डेडिकेटेड पार्किंग मिलना मुश्किल है। लेकिन मैंने पार्क कर दिया और यहाँ का मार्केट कुछ ऐसा है आप देख सकते हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रात में भी लोग बोटिंग करते हैं। सो ये माउंट आबू पर जो है ये नक्की लेक के पास है, यहाँ पे कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट है भाई, देख सकते हो यहाँ पे सारे कपड़े का मार्केट है, लेडीज़ जेंट्स किड्स वेयर सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप हॉर्स राइड भी कर सकते हो, हॉर्स राइड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। घोड़ा स्टैंड बड़ा राउंड 300 रुपये का, छोटा राउंड 150 रुपये का। ये घोड़ा बाबा बच करो भाई, लात मारेगा नहीं तो। ये देखो तो गाइज ये है शॉपिंग मार्केट है यहाँ का, आप देख सकते हो कितने सारे वैरायटीज़ ऑफ बैग्स अवेलेबल हैं, कैप्स अवेलेबल हैं, और कपड़ों का भी बहुत बड़ा मार्केट है भाई ये तो। अरे भाई ये तो पूरा मेला खोल के रखा है इन्होंने। अच्छा यार काफ़ी बड़ा है, तो ये कुछ ऐसा सीन है भाई यहाँ का। ये सारा फुटवेयर का मार्केट है, यहाँ पे फुटवेयर बहुत सारा अवेलेबल भाई, ऑप्शंस। चेक दिस आउट गाइस, पहाड़ के ऊपर डोमिनोज भी है भाई साहब। पहाड़ के ऊपर भाई अभी रात के बज रहे हैं, 11:30 बजने जा रहे हैं, और भाई माहौल देखो क्या माहौल है भाई, रात में पहाड़ के ऊपर भी ऐसा सीन हो सकता है मुझे नहीं पता था, लेकिन है भाई सीन है इधर। सो गाइज यहाँ पे जोजो बियर एंड फूड्स एंड हॉरर एंड 11D सिनेमा है, यहाँ पे आप फीसेस पार्क गेमिंग और भी कई तरीके के आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप बियर वगैरह ड्रिंक वगैरह कर सकते हो, वहाँ पे आप ड्रिंक वगैरह कर सकते हो। यहाँ बहुत अच्छा चॉकलेट आइसक्रीम मिलता है भाई,